हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरी पर्शियन कैट्स को ऑलमोस्ट अ वीक कंप्लीट हो गया है और इसके 5 बेबीज़ हुए थे, जिसमें से एक दो बेसिकली बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा। एक की तो डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। दूसरा जो है अभी मैंने साइड में रखा हुआ है, उसने अभी थोड़ी देर पहले दूध पिया था, उसको मैं अलग से दूध पिला रहा हूँ। वैसे तो मैं जो ये कमज़ोर सा बेबी है ना, इसको मैं अलग से पिलाता हूँ। ये बहुत कमज़ोर है बेचारा। तो क्या गंदा लगा इसकी पीठ में, ये चारपाई के नीचे ले गए इतने इसको। तो वैसे तो मैं इसको अलग से पिलाता हूँ क्योंकि पीता नहीं है, पर अभी इन सब के साथ पता नहीं कैसे पी रहा है इतनी देर से। बहुत कमज़ोर हो गया है बेचारा, बस मुझे तो इसी की टेंशन हो रही है। चलो कम से कम शुगर अभी पी तो रहा है। इसके ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसके हाथ जो हैं वो आगे को नहीं हो रहे। ये देखो, इसके हाथ पीछे को हो रहे हैं, आगे को जा ही नहीं रहे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके हाथों में, और उस वजह से शायद ही बहुत कमज़ोर सा हो गया है। बार बार इसके हाथ आगे करने पड़ रहे हैं भी, क्योंकि इनके साथ पी नहीं पाता है ना वो, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वाइट वाला। तो अभी ये तीन हैं जो हैं, जिसमें से एक ग्रे कलर का है कुहू की तरह, और उसके वाइट मार्क हैं। लाइक होता है ना कि ऐसे, जैसे मैंने बोला था ग्रैंड पेरेंट्स में भी जाते हैं, तो इसका चेस्ट में इधर साइड वाइट और फेस की तरफ आधा वाइट है। तो अगर मैं दिखाऊं इसको थोड़ा सा, तो ये रहा एक बेबी। इसके मुंह पे देखो वाइट मार्क है, बहुत क्यूट लगता है। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ये नोज़ पे पता नहीं क्या गंदा गंदा लग गया इसको। ये कुहू पता नहीं कहाँ कहाँ लगे जाती है इनको। इसको भी कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। कोई नहीं, तो अभी तो ये है देखो, क्यूट लग रहा है। तो इसको दूध पिला लेता हूँ। तो इनमें जो सबसे हेल्दी बच्चा है वो ये वाला है, वाइट वाला, क्योंकि सबसे हेल्दी बच्चा ये, तो क्योंकि ये फर्स्ट बच्चा हुआ था। यूजुअली क्या होता है, जो फर्स्ट बीबी होता है ना डॉग्स का या कैट्स का, वो हेल्दी ही रहता है हमेशा। तो ये है वो वाइट वाला, बिल्कुल गोलू में गया है वो। इसकी भी नाक गंदी हो गई मिट्टी से। कुहू पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाती है इनको बिल्लियाँ। मतलब कोई बोलता है कि 7 जगह शिफ्ट करती है अपने बच्चों को, कोई बोलता है 22 जगह शिफ्ट करती है। तो अभी तो किसी ने दूसरी जगह शिफ्ट करा इनको, तो मैं उनको उठाकर अभी यहाँ लाया हूँ दिखाने के लिए। सॉरी, फ्रेम में नहीं आया। ओ, ये देखो बिल्कुल गोलू की तरह, बिल्कुल। ओ, ले ले ले। तो ये है वो बेबी। बहुत देर से दूध पी रहे थे मैंने, तो जैसे इन्होंने दूध पीना ख़त्म किया तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ। बहुत दिनों से इनकी वीडियो अपडेट नहीं दी है। तो ये ले लो, ले लो, पी ले, जा 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 जा। और वो है थर्ड वाला। ये मिट्टी में कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। इसका कलर देखो पूरा मिट्टी से गंदा हो गया है। ये है वो थर्ड बेबी। तीनों ने दूध पी लिया भरपेट। उस बेबी का ना जो एक्चुअली फोर्थ बेबी मैंने साइड में रखा हुआ है, उसका जो ये हैंड है वो बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है। तो मतलब वो आगे को ऐसे करके आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी उसकी हड्डी में, वो पैदा ही शायद ऐसे हुआ था, एक बेबी कमज़ोर ऐसे करके, तो बेचारा हो नहीं पा रहा है। चलो इसको भी दूध पिलान रख देते हैं। ऐसे इन्होंने पी तो दिया है, फिर भी पी रहे हैं अभी ज़बरदस्ती। और ये है कुहू। कुहू हमारी परफेक्टली फाइन है, नो इश्यूज। जैसे डॉग्स को लगाते हैं इंजेक्शन टेटनेस वगैरह, और 45 डेज में वो कहाँ चलेगी कुहू। 45 डेज में जैसे कुछ और इंजेक्शन भी आते हैं ना, वो हो सकता है शायद कैट्स का भी कुछ ऐसा होता हो, पर मुझे को पता नहीं था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि इस तरीके से इंजेक्शन लगाना है, तो मैंने लगाया ही नहीं शायद। इसीलिए वो जो फोर्थ बेबी मैंने साइड में रखा है ना, वो बहुत कमज़ोर है, उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, दूध भी नहीं पी रहा वो अच्छे से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाला बेबी। तो वो बेबी ये है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके ना हाथ पता नहीं आगे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं इसकी हड्डियों में क्या हो गया इशू बेचारे की। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इसको फिर भी मैं जैसे तैसे करके इसको अलग से सेपरेट दूध पिला रहा हूँ पकड़ के अच्छे से, और इसको मैं अलग रख रहा हूँ इन बच्चों के साथ, ताकि ये दबाए हुए ना इसको। तो इस तरीके से मैं इसको दूध पिला रहा हूँ, इसकी केयर कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे रहती है इसकी हेल्थ। डॉक्टर को बोला मैंने, डॉक्टर बोले थे अगर ऐसा कोई हड्डी वड्डी में इशू है फिर तो ये छोटा बेबी, इसका कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। नेचुरली अगर आप केयर करना चाहो तो नॉर्मली केयर करो, दूध पिलाओ इसको टाइम से, और हेल्दी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये देखो चुन्नू मुन्नू भी सो रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज शॉट लेता हूँ उनका एक। तो ये है चुन्नू मुन्नू। ये देखो एक के ऊपर एक सोया है, ब्लैक वाला, ये ग्रे वाला, मैं ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ये ग्रे कलर का है।
इनकी नाक यार कितनी गंदी होगी मिट्टी से। कुतलू भाई, कुतलू कुतरू, नाक देखो नाक इसकी, आय है आय है, पूरी काली होगी नाक इसकी। तो ये इनकी नाक देखो, ये इनके बाल देखो, ये गोहू में गई है, आधा आधा गोलू में गई है देखो। आधा वाइट और आधा ब्लैक ग्रे कलर, तो क्यूट लग, बड़े होकर बहुत सुंदर लगेगा ये वाला, देखना। मैंने बहुत से ऐसी मतलब मेच्योर्ड कैट्स देखी है ना, जो काफ़ी मेच्योर हो जाती है बड़े होकर, तो प्रॉपर उनके हेयर्स ग्रोथ हो जाती है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मार्क्स जो है ना, ये वाइट वाइट कलर के देख रहे हो आप, तो बहुत सुंदर लगते हैं मार्क्स। ये ऐसा लग रहा है जैसे हस्की है, हस्की नहीं होता इसके भी मुंह के आस पास वाइट सा होता, ओ देखो इसका मुंह। तो ये हैं बेबीज, अभी फिलहाल तो तीन बेबीज हैं, ये हेल्दी है थोड़ा, शुक्र है, अभी उसको उसकी केयर करनी है, बाकी और कुछ नहीं अभी तो फिलहाल। उई ये देखो इनको, नाउ नाउ